वोगरन नमस्ते आप सब से काल मैं उसी ये संकल्पकांत से आज स्वागत है स्वा आपका इस नए सेशन में सो गाइस जैसा कि आप लोग यहां पे ऑफलाइन देख रहे हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे फॉरेक्स के टेन मार्क्स श्योर शॉट स्मॉल स्निपेट्स डालते रहूंगा विच विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ये अपन लोग ने स्टार्ट किया था विद SPOM, SCPM से मैंने ये चीज स्टार्ट की थी एंड थैंक्स लॉट फॉर गिविंग सच अ ग्रेट रिस्पांस वहां पे सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस इन एफ एज वेल एंड आई एक्सपेक्ट इवन बेटर रिस्पांस देयर सो लास्ट सेशन में मैंने सी फाइनल आई में डेरिवेटिव से रिलेटेड एक मार्जिन्स इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन डाला था I am sure आप ने उसको प्रॉपरली देखा होगा वैसे ही आज मैं डाल रहा हूँ, से से उसके बाद से एक बहुत इन एक तो मार्क्स, and that is and मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अराउंड एट मार्क्स के लिए आ सकता है आपको एमसीक्यू में सो प्लीज इसको प्रॉपरली करके जाना एंड इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे सो दैट वी फील कॉन्फिडेंट फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक अब कहा से करेंगे कैसे है वो सब मैं बताऊं उसके पहले प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं डालते रहूंगा एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना सो so दैट है CPM है पेपर सिक्स अगर आपका बाकी है या इन जनरल फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज द चैनल फॉर यू आई हैर्कड इन जेपी मॉर्गन फॉर मोर देन फोर एंड हाफ इेफिनेटली वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहूंगा I have worked there in asset management and financial due diligence team. So do uh, subscribe it and like करना अगर आपको ऐसे सारे videos पसंद आ रहे हैं तो next is comment all the things that you need. So say for example आपको अगर noshow, osshow औरों के बाद से हमारे को चाहिए कि आप कुछ uh, mutual funds पे बनाइए या फिर portfolio management पे बनाइए do let me know. I will make a video on the same. Plus अगर का लाइव बैच आपको अटेंड करना है। है जुलाई आई एम स्टार्टिंग एंड आपके पास टाइम नहीं यू कैन गूगल ड्राइव रिलेटेड टू सेम सो आप लोग समझ में आई गया है कि हंड्रेड मार्क्स में अपन कितना अच्छा कवरेज कर सकते हैं ऑल द टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर विद प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट डेरिवेशन जो अपना स्टाइल है राइट right? चलो आज आ जाते हैं अभी अपन लोग नॉस्त्रो एंड एन अकाउंट्स के साथ तो मैं ओपन कर रहा हूं ये मेरे नोट्स तो हो सकता है आपके पास मैजिक बुक हो तो मैजिक बुक से आप ओपन कर सकते हो ये वाला चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर नहीं है देन आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम लिंक तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है ये वाला पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगा चलो स्टार्ट करेंगे ऑन दैट नोट विद वॉट इट इज सो अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एट मार्क्स आ सकता है सो so ध्यान से सुनिएगा और इसमें ना कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को सो so, कॉन्सेप्ट मैं एकदम प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल जैसा कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है दीज आर वॉट फॉरन बैंक अकाउंट देखो एक बात समझो मेरा और आपका सबका एक बैंक अकाउंट है ठीक है आप लोग आर्टिकल शिप कर रहे हो तो आपका आर्टिकल शिप का जो स्टाइपेंड है वो आपके बैंक में जाता होगा मैं आर्टिकल शिप कर रहा हूं तो आई मीन I mean, मेरा बिजनेस है तो मैं भी एक बैंक अकाउंट खुलवाया है वैसे ही बैंक का भी दूसरे बैंक के साथ एक अकाउंट होता है ये आप लोग ने सुना होगा बट वॉट इफ देर इज अम्पोर्टर जिसको ट्रांसफर uh, करना है मैं इंपोर्टर हूं और मैंने ट्रांजेक्शन किया है टोक्यो के किसी एक्सपोर्टर के साथ और मेरे को येन ट्रांसफर है या मैं एक, एक एक्सपोर्टर और मेरे को डॉलर रिसीव करना है तो डॉलर के यू नो से वो डॉलर दे, दे उसके बैंक को तो ये सब कैसे हो पाएगा वेल इन सच केसेस जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटरनेशनल इन नेचर एंड द करेंसीज आर अदर देन द होम करेंसी आपके बैंक अक... बैंक वाले को खुलवाना पड़ेगा फॉरेन बैंक अकाउंट्स एंड इसी फॉरेन बैंक अकाउंट का नाम दिया है तो मेर, मेर डॉलर चाहिए या मैं डॉलर को सेल करना चाहता हूं या फिर मैं इंपोर्टर हूं मेरे को आगे डॉलर भेजना है अमेरिका में देन इन दैट केस दैट एच डी एफ सी बैंक शुड हैो अकाउंट विद अदर इंटरनेशनल बैंक एंड तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा सो इट बिकम्स वेरी दैट हर एक बैंक का दूसरे इंटरनेशनल बैंक के साथ अकाउंट हो और इस अकाउंट्स को नाम दिया गया है नोस्त्रो वॉस्त्रो एज द केस में तो से एक एच डी एफ सी बैंक का बैंक ऑफ जापान के साथ अकाउंट होगा वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है उसका एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट हो सकता है ऑल दीज आर वॉट इंटर बैंक अकाउंट बट ऑफ इंटरनेशनल नेचर एंड इनकी अलग करेंसीज में ये बैंक अकाउंट होते हैं तो ये क्या नाम से जाने जाते हैं लैटिन नेम नोस्त्रो वॉस्त्रो एंड लोर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है ये इंटर बैंक अकाउंट तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन फॉरन एक्सचेंज इज ट्रांसफर्ड

उंट एंड लोरोउंट ध्यान से सुन लो सपोज आई एम एच डी एफ सी बैंक अगर मेरा एच डी एफ सी बैंक का एच डी एफ सी मुंबई ब्रांच है मेरा ठीक है मेरा अकाउंट अगर बैंक ऑफ जापान टोकियो के साथ अकाउंट है इन फॉरन करेंसी मतलब येन में देन इन दैट केस इट इज सेट दैट एच डी एफ सी बैंक ऑफ विदान इन द करेंसी करेंसी येन और एक एग्जाम्पल सपोज एक्सिस बैंक न्यू डेल्ही है उसका एक बैंक अकाउंट है विद बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क एंड इट इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट तो इट विट दैट एक्सिस बैंक न्यू डेल्ही हैज अकाउंट विथ बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क समझ में आया सो so, इसको वर्ड किया दिया है नो आर अकाउंट विद यू एच डी एफ सी मुंबई बैंक अकाउंट विद यू यू कौन है इसमें सामने द अदर इंटरनेशनल बैंक इट इज एन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक बैंक विद फॉरेन बैंक फॉर फॉरेन करेंसी भाई मैं फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट क्यों कराऊंगा उनकी करेंसी के लिए ना मेरे पास मेरी करेंसी तो है ही बट मेरे को अगर यन अकाउंट खुलवाना है देन आई विल ओपन दैट अकाउंट ठीक है अब सुनो क्या हो क्यों मैंने ये अकाउंट खुलवाया अब कोई इंपोर्टर है ठीक है वो एच डी एफ सी बैंक में आया और वो आके बोलता है मेरे को ना एक लाख येन भेजना है जापान में ठीक है वो इंपोर्टर है ना तो उसको मशीन चाहिए अब मशीन उसको तब भी मिलेगा जब वो आगे जापान में पैसा दे देगा तो वो आया एच डी एफ सी बैंक में और बोलता है मेरे को एक लाख येन ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो क्या मैं बोलूंगा यस मेरा बैंक ऑफ जापान में ये अकाउंट है तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं येन तो मैं क्या करूंगा उससे रुपीस में पैसा ले लूंगा ठीक है जितना भी इक्विवेलेंट करेंसी के हिसाब से होता है और फिर बैंक ऑफ जापान जिसके साथ मेरा येन अकाउंट है उसको बोल दूंगा ये लो भाई इतना आपको मैंने येन दे दिया वो सामने आगे मेरी एक्सपोर्टर पार्टी को दे देगा ट्रांजेक्शन डन समझ में आया आपको सो एच डी एफ सी डेली

अब मेरे पास इंडिया का बंदा है बोलता है मेरे को लाख येन ट्रांसफर करना है तो ये दस लाख में से एक लाख येन मैं ये टू ये लिए मुझे अकाउंट में रख लूंगा क्लियर एवरीबॉडी कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है बस तो एक ट्रांजेक्शन समझ में आ गया ना अब बाकी ट्रांजेक्शन ईजिली आपको आ जाएगा सेकेंड मेरा क्या है वोस्त्रो अकाउंट भाई जैसे हमारे बैंक ने बहार वाले के साथ खुलवाया है वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क भी तो खुलवाएगा एक्सिस बैंक मुंबई के साथ एक अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट इट मींस योर अकाउंट विद अस। योर अकाउंट विथ अस इट इज एन अकाउंट ऑफ फॉरन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक फॉर डोमेस्टिक करेंसी तो बैंक ऑफ अमेरिका सी बैंक ऑफ अमेरिका जब इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है ना एक्सिस बैंक मुंबई के साथ तो उसके लिए वो नॉस्ट्रो हुआ पर एक्सिस बैंक के लिए एक वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ तो एक्सिस बैंक बोलेगा हाँ बैंक ऑफ अमेरिका का मेरे मेरे बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट है एच बोलेगा हाँ हा, मेरा बैंक ऑफ जापान में नोस्त्रो अकाउंट है आई होप समझ में आ रहा होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंडन एज एन अकाउंट विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर इंडियन ठीक है अब से फॉर कोई एक्सपोर्टर है लंडन चाहे मैंने से फॉर एक्जाम्पल मैं हूं मैंने कैलकुलेटर लंडन में एक्सपोर्ट किया तो मेरे को पाउंड भेजेगा सामने वाला अब मेरे को तो पाउंड का क्या करना है मेरे को तो रुपीज से मतलब है तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंडन यहाँ पे बोलेगा किसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा कि भाई सुन हमारे को एक लाख पाउंड ट्रांसफर करना है एक लाख पाउंड का इंडियन इक्विवेलेंट कितना होता है वो कन्वर्जन करके इंडिया वाले को मिल जाएगा समझ में आ गया आपको सो दैट इज वेर वोस्त्रो अकाउंट वर्क सो एच डी एफ सी मुंबई हैविंग बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ जापान टोक्यो नोस्त्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंडन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर इंडियन रुपीज इट विल बी कॉल्ड एज अ बोलो बोलो करेक्ट इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट एंड लास्ट में आ जाता है मेरा लोरो अकाउंट सो so, लोरोउंट का मतलब क्या होता है देर अकाउंट विद यू अब देखो जब ये इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करते हैं ना

अब इतना पैसा हर एक बैंक के पास ना हो ठीक है ना जैसे छोटी मोटी बैंक होती है जैसे ये जो कोऑपरेटिव बैंक होती है श्यामराव बैंक 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 या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव इनके पास इतना सारा पैसा ना हो कि ये एक नोस्त्रो अकाउंट खुलवा सके तो ये लोग क्या करेंगे ऐसी बैंक के साथ एक लॉरो अकाउंट खुलवाएंगे जिसका आगे नोस्त्रो अकाउंट है तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एक लॉरो अकाउंट खुलवाएगा एच डी एफ सी के साथ फॉर डॉलर एंड फिर बाद में उसके बिहाफ पे एच डी एफ सी विल ट्रांजेक्ट विद द बैंक ऑफ अमेरिका तो यहां पे सारस्वत बैंक का जो अकाउंट है विद एच डी एफ सी बैंक इट विल बी कॉल्ड एज अ लॉरो अकाउंट दे आर अकाउंट विद यू इट इज एन अकाउंट ऑफ वन बैंक थर्ड पार्टी डोमेस्टिक बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक विथ अनदर बैंक डोमेस्टिक विद नोस्काउंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक समझे तो उसका नोस्त्रो अकाउंट है ना अब यहां पर यह हम हमारे बिहाफ पे इसको पेमेंट कर रहे थे फॉरन बैंक ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड पार्टी बैंक एग्जाम्पल एस बी आई मुंबई हैज नोस्त्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक न्यूयॉर्क बट रिफर्ड यूज बाय सारस्वत बैंक हायदराबाद गार्डेड एवरीबॉडी ये देखो वोस्त्रो अकाउंट कितना मस्त है स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंडन राइट सो जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक रूपी अकाउंट खुलवाया यूनियन बैंक मुंबई के साथ इट वॉज अ वोस्त्रो अकाउंट देन सरस्वत टू एस बी आई एस बी आई टू सिटी बैंक ज अ लॉर अकाउंट तो इस डायरेक्टली यह नोस्त्रो अकाउंट नहीं खुलवा सकता सारस्वत बैंक सिटी बैंक के साथ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फंड का कोई बात नहीं एस बी आई का नोस्त्र है उसके भी आपस्वतवा देते हैं so, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लोकेशन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट नेम ऑफ द बैंक फॉर डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ अकाउंट कई बार अगर आज आपकी आग तारीख में आप लोग देखोगे तो सिटी बैंक इंडिया में भी खुल गया है तो सिटी बैंक मुंबई का अकाउंट से एसबीआई न्यूयॉर्क के साथ है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अकाउंट ध्यान से सुनना सिटी बैंक मुंबई अ डॉलर अकाउंट विद एस बी आई न्यूयॉर्क ब्रांच देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नोस्त्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक द अकाउंट विच इज नोस्त्रो फॉर वन बैंक इज वोस्त्रो फॉर अनदर सीधी सी बात है अगर यहां पे एच डी एफ सी बैंक ऑफ जापान के साथ नोस्त्रो अकाउंट खुलवा रही है तो बैंक ऑफ जापान क्या बोलेगा हाँ एच डी एफ सी का मेरे पास वोस्त्रो अकाउंट है नोस्त्रो अकाउंट टू सेटल फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन द लॉरोउंट जो अभी अपना डिस्कस हुआ एग्जाम्पल एस बी आई अकाउंट हैजाउंट विथ सिटी बैंक बट सारस्वत बैंक बैंक सारे बी आई वर्क एस एन इंटरमीजिए तीनों नोस्त्रो वॉस्त्रो और लोरो का मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली क्लियर हो गया होगा जैसा मैं बोला अगर आपको ये चाहिए case, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट बॉक्स पे दिया है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दैट अब इसको नेक्स्ट लेवल पे आगे पढ़ते हैं टू फॉर्मैट चलो विथ दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज पोजिशन एंड कैश पोजिशन सर ये क्या होता है लेटर्स नो तो देखो आप लोग ने सब लोग ने बी आर एस किया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बस वैसे ही कुछ सिनारियों समझ लो देखो एक होता है बैंक पासबुक ठीक है जहां पे बैंक के अंदर एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुआ है जो भी चेक डिपॉजिट हो गया है चेक विड्रॉ हो गया है और बैंक में प्रेजेंट हो गया है वो चेक तो उसका एंट्री बैंक, बैंक के पासबुक में आ ही जाता है यू वुड नो दैट मच बेसिक सो बैंक के पास जो मेरा अकाउंट है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे को वो पासबुक में दिखता है अभी फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी को चेक इशू कर देता हूं ध्यान से सुना मेरी बात को ये बेस फाउंडेशन ले डाउन कर देगा सपोज आज मैं मेरे किसी क्लाइंट को चेक इशू कर देता हूं तो मैं मेरे अकाउंट में तो एंट्री पास कर दूंगा क्या चेक इशूड मेरे अकाउंट में से उतना माइनस कर दूंगा बट क्या बैंक भी वो एंट्री पास कर देगा द आंसर इज दो जब तक वो क्लाइंट बैंक में जाके वो चेक को प्रेजेंट नहीं करता है और प्रेजेंट होने के बाद वो अकाउंट से मेरे डेबिट नहीं हो जाता है टिल दैट टाइम एंट्री विल नॉट बी पास द बैंक राइट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चेक डिपॉजिट करने के लिए आज डाला अब अगर आज मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तो दो दिन बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा बट मैं मेरे बैंक का जो मेरा पर्सनल जो मैंने मेंटेन किया हुआ मेरा बैंक अकाउंट उसमें तो मैं एंट्री पास कर दूंगा आज ही चेक डिपॉजिटेड भाई पैसा आ गया बट बैंक दो दिन बाद जब रियल में पैसा आएगा तब वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा क्या ये बेसिक अपने को पता है है द आंसर इज यस तो वो जो बैंक का अकाउंट वाला होता है, जिसको अपन पासबुक बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं कैश पोजीशन उसको बोलते हैं कैश पोजीशन आपको ध्यान रहे इसके लिए मैंने लिखा है पासबुक और जो मैं मेरे पास मेंटेन करता हूं जहां पे चेक इश्यू किया चेक डिपॉजिट किया कुछ भी तो फिर भी मैं मेरे अकाउंट में उसको एंट्री मार देता हूं उसको बोलते हैं एक्सचेंज पोजिशन आर ओन अकाउंट एच डी एफ सी का जो रियल अकाउंट है भाई जहां पे बैंक का एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है सिर्फ एच डी एफ सी ने दूंट ओपन करवाया बैंक ऑफ जापान टोक्यो के साथ तो वहां पे जो रियल ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज द कैश पोजिशन एंड यहां पे ये जो मेरा पोजिशन अकाउंट uh, है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज एक्सचें पोजिशन और आर ओन अकाउंट कॉल्ड एज द बैंक अकाउंट कॉल्ड कॉल्ड एज द बैंक अकाउंट समझ में आ गया सो so, अब समझ में आ गया होगा एक्सचेंज पोजीशन कैश पोजीशन कैश पोजीशन में रियल अकाउंट में अगर आया रियल अकाउंट से अगर गया तो ही एंट्री होगा समझ में आई ये बात एक्सचेंज पोजीशन में मैंने किसी को कमिट किया कि मैं भाई तेरे को पैसा दूंगा तो भी मैं एंट्री पास कर दूंगा और फिर वो कमिटमेंट हम लोग का नहीं हो पाया और मैंने वो चेक कैंसिल कर दिया तो मैं वो एंट्री रिवर्स कर दूंगा इन शॉर्ट जो भी ट्रांजेक्शन रियल नहीं मतलब रियल बैंक में आया गया वो तो मैं कर ही दूंगा बट अदर देन दैट ऑल्सो इफ देर इज अ ट्रांजेक्शन दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द एक्सचेंज पोजिशन अकाउंट क्लियर सो रियल डेबिट क्रेडिट जब होगा रियल एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन करेंसी का डेबिट क्रेडिट जब होगा रियल डेबिट या रियल क्रेडिट जब होगा दैट इज कॉल्ड एज कैश पोजिशन बट ये काइंड ऑफ मतलब अपन लोग जो अक्रूवल बोलते हैं आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं ये वो है आप ये कैश पोजिशन ये आपका वो एक्सचेंज पोजिशन अब देखो इधर टोटल परचेज और सेल कमिटमेंट ऑफ बैंक टू परचेज और सेल स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसीज इटिव वेदर एक्चुअल डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट ये इसका कैच वर्ड है और इसका जब एक सम करेंगे ना तो थोड़ा यू कैन से रियल फील आएगा कि हाँ यार समझ में आ गया है अपने को सो एक्चुअल डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट एक्सचेंज पोजिशन में एंट्री आ जाएगा अगर हम लोग ने कमिटमेंट भी कर दिया है तो चल भाई तेरे को चेक इश्यू कर दिया कमिटमेंट कर दिया तो भी एक्सचेंज पोजिशन में एंट्री आ जाएगा कैश पोजिशन में कब आएगा जब रियल में करेंसी आया है या गया है तब क्लियर एवरी डन सर समझ में आ गया so, ये में कैश बेसिस ये मेंटेन kind of के जैसे अप्रूवल बेसिस के हिसाब से इसको राइट right? अब कॉन्सेप्ट अकाउंट एक्सचेंज पोजीशन बैंक अकाउंट विद बैंक पासबुक वो है मेरा कैश पोजीशन क्लियर एवरीवन समझ में आ गया है अब ये वाला एक लाइन वापस पढ़ लो एक्सचेंज पोजीशन इज द बैलेंस of aggregate purchase and sales made by the bank in particular currency it is an overall position in a particular currency purchase sales whether uh, spot forward are included in computing the exchange position cash position is the balance outstanding in bank's nostro account abroad the stock of foreign currency real may held by the bank in the form of balances in the foreign center So, ये आप समझ में आ गया होगा, क्या होता है एक्सचेंज पोजिशन क्या होता है कैश पोजिशन अब मैं और एक कुछ इसमें ओवर बॉड पोजिशन ओवर सोल्ड पोजिशन और सब है बट वो मैं सम्स के थ्रू करवाना चाहता हूँ ठीक है तो ये अपने को पहले लोरो समझ में आ गया सर इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं एक जो अपन मेंटेन करते हैं एक्सचेंज पोजिशन दूसरा जो बैंक अपने बिहाफ पे मेंटेन कर रही है कैश पोजिशन क्लियर एवरीबॉडी यस सर अब ये एक्सचेंज पोजीशन और आ, कैश पोजीशन के लिए मैं एक सम करवाने वाला हूं बट उसके पहले यू नो व्हाट आई वांट मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे दू और फिर अपन लोग आईसीआई के मॉड्यूल का सम करेंगे जो आपको यहां पे दिख जाएगा मैं आपको मॉड्यूल में भी चाहिए तो उसका पेज नंबरिंग दे दूंगा एंड मतलब एकदम सही तरीके से आपको समझ जाएगा वो नोस्त्रो वोस्त्रो लोरो प्लस उसका प्रैक्टिकम सम सॉल्विंग कैसा होता है आओ दिखाता हूं एल गिव एग्जाम्पल कि आपका दो अकाउंट बनता है जैसा मैंने आप लोग को बताया एक बनता है अकाउंट है वो ठीक है इसको प्यार से नोस्त्रो अकाउंट भी बोलते हैं ये मेरा रियल अकाउंट है जो मेरे बैंक के साथ खुला है सो से फॉर एग्जांपल मैं एच डी एफ सी बैंक और मैंने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ या बैंक ऑफ जापान के साथ अगर कोई अकाउंट खुलवा है तो ये वो नोस्त्रो अकाउंट है एंड एक मेरा अकाउंट होता है जिसको मैं बोलता हूं एक्सचेंज पोजीशन जिसको मैं बोलता हूं एक्सचेंज पोजीशन अब सुनो कुछ एंट्रीज पास हुई और उस एंट्रीज का अपने को जवाब देना है तो चलो आओ देखते हैं क्या एंट्रीज पास हुई है से फॉर एग्जांपल पहली एंट्री पास हुई है चेक इशूड ठीक है चेक इशूड अब इधर अपन इसको टी फॉर्म में ना लिख के अपन लिखते हैं भाई कितना डेबिट आया कितना क्रेडिट आया या कितना इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो गया इधर भी मैं कैश पोजीशन में भी वही सेम चीज बना देता हूं भाई कितना मेरा इनफ्लो है कितना मेरा आउटफ्लो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल कीप इट सिंपल अब जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया कैन आई से मेरे लिए तो आउटफ्लो हो गया तो जैसे ही मेरे लिए आउटफ्लो हुआ मैं तो यहां पे एंट्री पास कर दूंगा बट क्या सेम एंट्री कैश पोजीशन में पास होगा क्या द आंसर इज नो कैश पोजीशन में तो तब एंट्री पास होगा जब रियल में चेक इशू होके उस सामने वाले पार्टी के अकाउंट में पैसा चले जाएगा तो देर आर गोइंग टू तो बी फ्यू एंट्रीज जो खाली एक्सचेंज पोजीशन में होगी कैश पोजीशन में वो एंट्रीज नहीं होगी क्योंकि रियल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है समझ में आ गया समझो मेरा दूसरा चेक डिपॉजिटेड अब इनफ्लो है मैं तो आज ही एक्सचेंज पोजीशन में एंट्री पास कर दूंगा बट कैश पोजीशन में जब तक नहीं आएगा तब तक ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं हो जाता है बैंक को एंड मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है वैसा बट से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहां पे एक एंट्री दिखाया कैश डिपॉजिटेड अब कैश डिपॉजिट जैसे ही मैंने किया मैं मेरे एक्सचेंज पोजीशन में जाके एंट्री मार दूंगा इनफ्लो क्योंकि कैश डिपॉजिट हो गया है एट द सेम टाइम कैश पोजीशन में वहां पे मेरा जो रियल पासबुक वाला अकाउंट है वहां पे भी एंट्री आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड क्योंकि ये एक्चुअल मेरा यहां पे भी एंट्री इनफ्लो का आ रहा है क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया से मैं वापस से और थोड़ा इसको टेक फॉरवर्ड करता हूं और और एक एंट्री लिखता हूं से कैश विड्रॉन कैश समझो मैंने कैश विड्रॉ किया अब जैसे ही मैं कैश को विड्रॉ करता हूं अगेन क्या हो गया आउट क्या कैश विड्रॉ रियल में मेरे वो, जो बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के पास या बैंक ऑफ जापान के पास वहां से भी निकल जाएगा द आंसर इज नाउट आंसर इज ऑब्वियसली यस क्योंकि वहां पे ही तो मैं बोल रहा हूं भाई चलो कैश दे दो तो यहाँ पे भी वो लोग पास कर लेंगे एंट्री कैश विड्रॉ वहां से भी मेरा निकल जाएगा समझ रहे तो कुछ एंट्रीज है कुछ एंट्रीज है जो मेरी दोनों जगह पास होगी बट कुछ एंट्रीज है जो मैं खाली एक्सचेंज पोजीशन में ही पास करूंगा सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लेट्स सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट हेल्प ऑफ सम सो वी कैन गेट दिस फ्रॉम देखो अगर आपके पास uh, मेरी बुक है ऑप्टिमाइज्ड बुक या मैजिक बुक तो तो आपको ये मैं सीधा बता देता हूँ मिल जाएगा आपको एक या फिर आपके पास मॉड्यूल है कोई भी बुक है कहीं से भी मिल जाएगा है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो चलो आप देखते ये रहा ये रहा क्वेश्चन ठीक है इसमें अपने को दोनों अकाउंट ओपन करना है एक्सचेंज पोजिशन वाला अकाउंट भी और कैश पोजिशन वाला अकाउंट भी इसके लिए मैं ये वाला सम करवाना हूं अगर आपको मॉड्यूल का रेफरेंस चाहिए तो मॉड्यूल का भी रेफरेंस आप ले सकते हो यहाँ पे आपको ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी मिल जाएगा ठीक है तो प्लीज ओपन एंड लेट्स स्टार्ट वैसे ये कुछ नहीं ओपन किया आप लोग मेरे साथ देखते रहो यहां पे सब चीजें दी हुई है और मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इजिली आप लोगों का हो जाएगा नॉट टू वरी ठीक है सो लेट्स रीड द क्वेश्चन यू एज अ डीलर इन फॉरन एक्सचेंज पोजिशन इन स्विस फ्रैंक्स ऑन 31st फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइन बैलेंस इन नोस्त्रो क्रेडिट अकाउंट वन लैख स्विसंक्स अब ये क्या होता है बैलेंस इन नोस्त्रो क्रेडिट अकाउंट ये होता है आपका कैश पोजीशन मैंने बोला था ना आपको देखो नोस्त्रो अकाउंट मतलब ये आपका रियल वो जो अकाउंट है ये रहा ये देखो मैंने इधर आपको बना के दिया है कैश पोजीशन दिख रहा है आपको गाइस ये है आपका रियल जो आपने अकाउंट खुलवाया है ना कोई और बैंक में दैट इज दैट रियल पोजीशन सो दैट इज योर नोस्त्रो अकाउंट तो ये आ जाएगा आपका कैश पोजीशन। फिर ओपनिंग पोजीशन ओवर बॉट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एक्सचेंज पोजीशन। ओवर बॉट ओवर सोल्ड बिकॉज यहां पे कैसा है ना इन केस ऑफ एक्सचेंज पोजीशन अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपने कोई आप बैंक हो ठीक है आपने कोई फॉरवर्ड परचेज का डील किया है या आपने कोई फॉरवर्ड सेल का डील किया है अब फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड सेल एग्जीक्यूट तो बाद में होने वाला है से दो महीने बाद तीन महीने बाद फॉरवर्ड सेल जो जो आपने किया, जो आपने एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट किया किया है है कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में होने वाला है दो महीने बाद होने वाला है तो वो वैसे टाइप की एंट्रीज कैश पोजिशन में आएंगी क्या द आंसर इज नो सर वो एंट्रीज कैश पोजीशन में नहीं आएगी बिकॉज कैश पोजीशन में तो रियल जो एंट्रीज हो रही है वो आएगी ये तो खाली एक हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ ये दो महीने बाद किसी के साथ फॉरवर्ड परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वैसा पोजीशन अगर होता है ना सो दैट रिफ्लेक्ट्स ओवर ओवर बॉट पोजिशन ओवर सोल्ड पोजिशन ऑल ऑफ दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर एक्सचेंज अकाउंट सो ये जैसे कैश अकाउंट है वैसे ही वो हो जाएगा आपका एक्सचेंज अकाउंट कैश पोजिशन इधर कैश पोजिशन अकाउंट तो ये हो जाता है आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को गाइस इसको बोलेंगे एक्सचेंज इसी में होगा ना Opening position, overbought, oversold, और वो सब सब चीजें चीजें पे कर दिया deposit है ये सब कोई हवा में है हवा में है वो सब भी मेरे एक्सचेंज पोजिशन के सिनारियों में आ जाएंगे नेक्स्ट परचेज बिल ऑन ज्यूरिक सोल्ड फॉरवर्ड टी टी फॉरवर्ड परचेज कैंसल्ड रेमिटेड ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड फिर बाद में उसके बाद वॉट स्टेप्स वुड यू टेक if you are required to maintain a credit balance of Swiss francs 30,000 in the Nostro account and keep as overbought position on Swiss francs 10,000. अब सुनो, ये सब एक-एक करके फटाफट मैं तुम लोगों को बताते जाऊंगा and then things will be clear. और ये समझाने के बाद मैंने आप लोगों के लिए बुक में एक फॉर्मेट भी बना के दे दिया है मैजिक बुक में वो भी आप फिर करोगे ना यू विल बी थ्रू ये सारी चीजें अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है तो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी ओके okay? चलो लेट्स नाउ कंटिन्यू तो अब मैं यहाँ पे क्या बोला कि दो अकाउंट्स में ओपन करने वाला हूं एक ओपन होने वाला है मेरा एक्सचेंज पोजीशन का ये एक्सचेंज पोजीशन का थोड़ा बड़ा अकाउंट होगा तो इसको अपन लोग थोड़ा बड़ा करेंगे राइट right? ये मेरा एक्सचेंज पोजीशन का अकाउंट हो गया भाई एक परचेज वाला एक सेल वाला ठीक है और फॉरेन करेंसी यहां पे याद रखना फॉरेन करेंसी का बात चल रहा है ठीक है दूसरा मैं अकाउंट ओपन करूंगा मेरा कैश पोजीशन के लिए दूसरा अकाउंट ओपन करूंगा मैं मेरे कैश पोजीशन के लिए ठीक है ठीक है अब से फॉर एग्जाम्पल यहां पर अब मैं लिखता हूं एक्सचेंज पोजीशन ठीक है दो चीज एक परचेज दूसरा सेल अच्छा कौन सा करेंसी चल रहा है स्विस फ्रैंक्स ये सब छोटी छोटी चीज पे ध्यान देने का तो परचेज क्या स्विस फ्रैंक्स या फिर सेल क्या स्विस फ्रैंक परचेज स्विस फ्रैंक या फिर सेल क्या स्विस फ्रैंक समझ में आया ये इधर मैं लिख देता हूं एक्सचेंज पोजीशन ठीक है दूसरा कैश पोजीशन ठीक है कैश पोजीशन और यहां पे देखो ये अपना रियल जो अपन लोग अकाउंट खुलवाते हैं ना किधर ये वो है तो इधर अपन लोग लिखेंगे भाई कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन में चीज जो उसने बोला है दैट इज बेसिकली कैश पोजीशन वन लैख स्विस फ्रैंक मेरे में बैलेंस पड़ा है क्रेडिट वेरी गुड सो इधर मैं लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस और वो भी क्रेडिट में है तो कितना इधर ब्रैकेट में लिख देंगे अपन लोग ये सब हम लोग बना रहे हैं स्विस फ्रैंक के लिए क्लियर है अपने को इधर तक यस सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या वर्ड बोला है ओपनिंग पोजिशन ओवर बॉट सो यहां पे लिखना है अभी मेरे को ओपनिंग पोजिशन ओवर बॉट बट कहां पे आएगा सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ओपनिंग पोजीशन ओवर बॉट नाम से समझ रहे हैं क्या होगा ये करेक्ट अगर आपने कोई चीज बाय की है तो कहना इसे आप परचेज में करते हो यहां पे आप लिख दोगे और इसका मतलब क्या है क्या होगा इसका मतलब पता है कि से फॉर एग्जांपल सपोज एक ही मैंने ट्रांजैक्शन किया है पूरे एक महीने में लास्ट एक महीने में खाली एक ही मैंने ट्रांजैक्शन किया

और मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो है तो इट इज शोइंग ओवर बॉन्ड सिंपल क्लियर है डन अब आगे अ बिल ऑन थाउज़ेंड अब आपने एक बिल परचेज किया है ऑन ज्यूर इसका मतलब क्या होता है अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट दिस मींस इसका मतलब है आपके पास कोई क्लाइंट आया बिल लेके बिल डिस्काउंटिंग याद है चलो मैं ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे होता है सपोज अपने पास कोई कस्टमर है देखो अपन कौन है भूल मत जाना ये बात ठीक है ना अपने को आदत नहीं है ये सोचने का तो अपन वो कनेक्ट नहीं कर पाते कई बार यू आर अ बैंक हेलो ठीक है से आप है एच डी एफ सी बैंक एक खाली एग्जाम्पल वापस से दे रहा हूं और आपने एक नोस्त्रो अकाउंट खुलवाया है अकाउंट खुलवाया है स्विस फ्रैंक्स का से स्विस बैंक में ठीक है स्विस बैंक में आपने एक अकाउंट खुलवाया है ओके दिस इज कंफर्टेबल आप आप बैंक हो, आप बैंक हो हो ये अपने दिमाग में घुसा लो आप कौन हो आप एक फॉरेन डीलर आप एक एक्सचेंज बैंक हो एच डी एफ सी बैंक हो आप आपने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया है अब सुनो क्या हो रहा है आपके साथ ठीक है एक कस्टमर आया आपके पास ठीक है ये कस्टमर कौन था पता है एक्सपोर्टर था तो इधर लिखते हैं आपके पास एक आया एक्सपोर्टर दो मिनट ध्यान से सुना एक बार ये बोलते ना ये थॉट ये प्रोसेस दिमाग में घुस जाएगा ना फिर नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फंडामेंटल क्लियर आपके पास एक, एक एक्सपोर्टर आया और एक्सपोर्टर के पास था एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है इस एक्सपोर्टर ने कुछ एक्सपोर्ट किया हो से uh, यूके में ठीक है स्विस फ्रैंक्स में तो इसने से जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में कुछ एक्सपोर्ट किया स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक में कुछ एक्सपोर्ट किया से वन लैख स्विस फ्रैंक का मशीन एक्सपोर्ट किया अब जैसे ही इस बंदे ने स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट किया Obviously, उसको पैसा चाहिए तो इस बंदे ने क्या बोला पता है क्या उसने बोला कि सुन मैं तेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता हूं और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा दैट ये वन लैक स्विस फ्रैंक है जो मैं तेरे को तीन महीने बाद दूंगा जो मैं तेरे को तीन महीने बाद पे करूंगा तो अभी उसने बोला कि यार देख मेरे को तो पैसा चाहिए एक्सपोर्टर है जो इंडिया में ऐसा तो सोचो ना आप इंडिया के एक्सपोर्टर हो आपने स्विट्जरलैंड में कोई मशीन एक्सपोर्ट किया तो आपको तो पैसा चाहिए ना एक लाख स्विस फ्रैंक बट सामने वाला बोल रहा है एक लाख अभी का भी नहीं दे सकता तीन महीने बाद मैं तेरे को एक लाख का स्विस फ्रैंक दे दूंगा तू टेंशन मत ले तो मैंने बोला कि ठीक है बट मेरे को तो आज का आज ही पैसा चाहिए मैं क्या करूं तो मैंने गया एच डी एफ सी बैंक के पास मैं आया एच डी एफ सी बैंक के पास और मैं बैंक को बोला कि सुनो ना बैंक मैं आपको ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं एक लाख स्विस फ्रैंक का मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं एक लाख स्विस फ्रैंक का आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और मुझे ये लाख स्विस फ्रैंक के सामने कितना रुपया होता है तो से फॉर एग्जांपल एक, एक स्विस फ्रैंक का अपन लोग लेते हैं से एट्टी तो लाख रुपीज अभी का भी दे दो बैंक बोलेगा मेरा क्या फायदा तो आप बोलते हो कि ऐसा करो पांच टका कमीशन इसमें आप काट लो सो तो पांच परसेंट माइनस कर दिया अपन ने तो एटी में से पांच परसेंट माइनस हुआ तो बचा कितना सेवेंटी सिक्स लैख तो यहां पे 76 लाख रुपीस बैंक ने दे दिया अब बैंक के पास क्या आ गया बैंक के पास आ गया वन लैख फ्रैंक। समझ गए अब तीन महीने बाद ये बिल लेके अब ये बिल आ गया ना बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया ये बिल लेके ये बैंक जाएगा इस स्विट्जरलैंड के कस्टमर के पास और बोलेगा चल भाई मेरे को स्विस फ्रैंक दे दे तो इन शॉर्ट बैंक के पास तीन महीने बाद क्या आ जाएगा स्विस फ्रैंक तो अब तीन महीने बाद वो स्विस फ्रैंक आने वाला है तो कैश पोजीशन में तो एंट्री नहीं आएगा बट कैन आई से एक्सचेंज पोजीशन में वो एंट्री आ जाएगा एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली वी विल बी राइटिंग क्या परचेस्ड अ बिल ऑन ज्यूरिक समझी ज्यूरिक क्या है स्विट्जरलैंड का कैपिटल सो परचेस्ड अ बिल अ ब्यूटिफुल प्लेस परचेस्ड अ बिल ऑन ज्यूरिक कितने का बेटा खरीदा ऑफ ऑफ किया है है तो मेरे अकाउंट में ये स्विस फ्रैंक आने वाला आज नहीं तीन महीने बाद कैसे ये पूरा गेम चल रहा है समझ में आ गया ना मैं एच डी एफ सी बैंक मेरे पास एक कस्टमर आया है जो एक्सपोर्टर है उसने एक्सपोर्ट किया एक लाख स्विस फ्रैंक जितना वो आया आज मेरे पास और बोला देखो मेरे पास एक लाख स्विस फ्रैंक का बिल है मैं बोला हाँ मेरे को दे देना ठीक है तो अब उससे मैं एक लाख स्विस फ्रैंक का बिल ले रहा हूँ तो सामने उसको पैसा देना पड़ेगा बट उसके बिहार पे मैं ये रिस्क ले रहा हूँ तो उसका कमीशन मैंने मेरा कमीशन काट के उसको दे दिया मुझे पता है तीन महीने बाद मुझे एक लाख स्विस फ्रैंक आने वाला है बहुत बढ़िया यहाँ पे मैंने वो एंट्री पास कर दिया परचेज बिल ऑन ज्यूरी समझ में आ गया कनेक्शन क्यों मैंने कैश पोजीशन में नहीं किया क्योंकि अभी खाली बिल है अभी ये हाथ में खाली बिल है एक लाख स्विस फ्रैंक आ गया क्या नहीं तीन महीने बाद जब आएगा तो मारेंगे ना कैश पोजिशन में एंट्री किसने मना फिलहाल आज के हिसाब से एंट्री मारना है तो मैं खाली एक्सचेंज पोजिशन में मारूंगा मुझे पता है आप लोग समझ गए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है वी विल ऑलवेज बी रेडी टू डिस्कस चलो आगे नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं सोल्ड फॉरवर्ड और 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 कभी समझो तुम लोग को वापस से मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं कभी डाउट आता है देन इन दैट केस आई एम जस्ट वन व्हाट्सएप अवे यू कैन जस्ट ड्रॉप मीआर व्हाट्सएप विद योर डाउट हो सकता है मैं आपके व्हाट्सएप को इमीडिएटली रिप्लाई ना करूं तो आप दो या तीन या चार या पांच बार मुझे रिमाइंड कर दो मैं रिप्लाई करूंगा और मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर आप मुझे बार बार रिमाइंडर मैसेज भेजोगे तो बिकॉज आई एम सो बिजी एट टाइम इट मे गेट स्कीप बस और कुछ नहीं चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते गाइस अब ये एक बेस कॉन्सेप्ट मैंने ले डाउन कर लिया थिंग्स कैन गो फर्स्ट सोल्ड फॉरवर्ड टी टी आप एच डी एफ सी बैंक हो बुलना मत आपने एक टी 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 मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर सो so, आपने एक फॉरवर्ड सेल किया है जब आप फॉरवर्ड सेल करते हो तो फ्यूचर में आपको उतना पैसा देना पड़ेगा सेल कर रहे हो आप अरे बोलो यार आप बैंक को आपने फॉरवर्ड सेल किया है कोई भी चीज बेच रहे हो तो आप बाद में दोगे तो आज दे रहे हो क्या नहीं फॉरवर्ड है सर ये आज का नहीं है ये फॉरवर्ड है सर अच्छा फॉरवर्ड है मतलब दो महीने बाद तीन महीने बाद दस दिन बाद देने वाले है। हाँ तो क्या ये कैश में एंट्री आएगा नहीं सर बट एक्सचेंज पोजीशन में आ जाएगा हाँ कितना सिक्सटी थाउजेंड सेल किया है तो मेरे अकाउंट से जाने वाला है आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्ड फॉरवर्ड टी टी सोल्ड फॉरवर्ड टीटी कितना कितना सर सिक्सटी थाउजेंड सर सिक्सटी थाउजेंड सर समझ गया आई होप अभी अपने को बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ गई होगी बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने का पब्लिक क्या करता है घाई घाई नहीं अरे मेरे को जल्दी समझना है फटाफट सब करना है उसमें ना बेस कॉन्सेप्ट को डिले मतलब फटाफट समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट बड़ा होता है ना, वो नहीं समझ स्मूथनेस है फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल किया तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड परचेज किया होगा कोई और महीने में उसका एंट्री पास हो गया होगा क्या एंट्री पास हुआ होगा फॉरवर्ड परचेज का चलो बता दो फॉरवर्ड परचेज तो परचेस का एंट्री तो डेब मतलब परचेज में आया रहेगा अब वो कैंसल हो गया है तो सेल में जाएगा बहुत बढ़िया तो फॉरवर्ड परचेज कैंसल हाँ भाई कितना थर्टी थाउजेंड ओके सर फॉरवर्ड सेल में क्यों गया क्योंकि पहले फॉरवर्ड में आ चुका है सर कोई और महीने में अब उसको ऑफसेट कर दिया सेल में डाल चलो सर समझ गए नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अगेन ये फॉरवर्ड है इसके लिए कैश में तो नहीं आएगा इसका एंट्री तभी भी नहीं आया होगा फॉरवर्ड के टाइम पे अभी कैंसिल हो गया तो कैश अपना आया ही नहीं हुआ एंट्री नहीं आया रेमिटेड बाय टीटी टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर टेलीग्राफिक ट्रांसफर मतलब कुछ नहीं यार जैसे अपना जी पे है फोन पे है या कोई भी ये ले लो ना वैसे अपन लोग ने ट्रांसफर कर दिया ना किसी को पैसा तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर पुराने जमाने में में आज की तारीख आप क्या बोलोगे भाई तेरे को है ना मैंने फोन पे से पेमेंट कर दिया तो रेमिटेड बाय फोन पे लिखूंगा तो समझ जाएगा तुमको रेमिटेड बाय जी पे लिखूंगा पेटीएम लिखूंगा तो तुमको समझ जाएगा वैसे ही पुराने जमाने में होता था टी टी बस एक जरिया है पैसा ट्रांसफर करने का तो भी देखो क्या है, remitted, मतलब कहना इसे आपने दिया आपने दिया तो आपके अकाउंट से गया क्या ये रियल ट्रांजेक्शन है yes. real में मैंने दिया है. कितना दिया है, है? कितना एच डी एफ सी बैंक ने रियल में किसी को रेमिट किया है कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्विस बैंक तो पहले इधर एक एंट्री मार लो और ये बहुत हिस्टोरिक एंट्री है क्योंकि ये दोनों जगह पे आएगा तो पहला इधर रेमिटेड बाई टी टी रेमिट किया है कितना सर सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड फटाफट फट लिख देंगे लिख लिख दिया दिया सर दिया। अब उसके बाद कैश पोजीशन में भी इसका एंट्री आएगा हाँ सर आएगा आएगा कैश पोजीशन में भी इसका एंट्री आएगा। क्या, क्या क्या किया है हम लोग ने रेमिट किया है रेमिटेड बाय टीटी रेमिट किया है मतलब हम लोग ने सेल कर दिया तो मेरे पास एक लाख स्विस फ्रैंक था उसमें से मैंने सेवेंटी फाइव थाउजेंड रेमिट कर दिया सेल कर दिया दे दिया मेरे किसी क्लाइंट को तो ये हो गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड डेबिट में समझ में आ रही है आपको बात एकदम अच्छी तरह से बस यही चाहिए मेरे को नेक्स्ट ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड मार्क दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इस ये वाला एडजस्टमेंट मैंने किया था मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था मैं एक चीज समझने में गलती कर दिया था एंड मिस्टेक किया था बट आई डोंट वांट यू टू हैपन सो अगेन इसको भी मैं प्रॉपरली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा सो इट इज ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक ये अगर आप लोगों को ये परचेज समझ में आया होगा ना देन इन दैट केस ड्राफ्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जैसे अपन लोग ने परचेज बिल किया था तो अपन लोग ने कहना इसे परचेज करने वाले अपन लोग स्विस फ्रैंक परचेज साइड पे लिख लिया कि अपने को स्विस फ्रैंक मिलने वाला है फ्यूचर में वैसे ही क्या होता है पहले क्या पहले होता है ड्राफ्ट इशू ठीक है ड्राफ्ट इशू का मतलब होता है आपने सेल किया है स्विस फ्रैंक आपने सेल किया है स्विस फ्रैंक अब देखो क्या होता है यहाँ पे परचेस बिल है वैसे उसका काइंड ऑफ ऑपोजिट है ड्राफ्ट इशूड ड्राफ्ट इशूड का मतलब आपने सेल किया है फॉरेक्स हो सकता है कोई इंपोर्टर आया आपके पास और इंपोर्टर बोल रहा है कि यार मेरे को है ना एक लाख स्विस फ्रैंक तीन महीने बाद स्विस मतलब एक मेरा क्लाइंट है उसको पहुंचाना है ठीक है ना इंपोर्टर है ध्यान से समझना आप लोग इंपोर्टर है तो इंपोर्टर हैज टू पे तो ये जो इंपोर्टर है ही हैज टू टू पे द क्लाइंट अब से फॉर एग्जाम्पल इसको क्लाइंट को पे करना है थर्टी थाउजेंड फ्रैंक ठीक है थर्टी थाउजेंड फ्रैंक ये बैंक के पास गया मेरे पास आया मतलब एच डी एफ सी बैंक के पास आया और बोला कि यार सुनो ना मेरे को आप आ, स्विस फ्रैंक भेजना है तीन महीने बाद तीन महीने डील तो दिया बोला कि देख थर्टी थाउजेंड फ्रैंक का आज तेरे को मैं डील दे रहा हूं एट्टी रुपीज में कि 80 रुपीस पर स्विस फ्रैंक के हिसाब से तो, तो होता है तेरा टोटल ट्वेंटी फोर ,00 तो तू मुझे ट्वेंटी फोर ,00 रुपीस अभी दे दे महीने बाद स्विस फ्रैंक दूंगा देता हूं तो एच डी एफ सी बैंक ने एक ड्राफ्ट इशू कर दियाउंट तो से, से तो थर्टी थाउजेंड आज नहीं तीन महीने बाद जाने वाला है ठीक है आज इसको मैंने एक अच्छा डील दे दिया क्योंकि मुझे हो सकता है अपने स्विस फ्रैंक का प्राइस बाद में गिर जाएगा तो अभी ये डील कर लेते हैं टेंशन नहीं तो मैंने इंपोर्टर के साथ डील कर लिया उसके पास से पैसा मैंने ले लिया और सामने ड्राफ्ट इशू कर दिया हूं बेसिकली तो मैं क्या कर रहा हूं सेल कर रहा हूं स्विस्ट आज नहीं शायद दो तीन महीने बाद जब वो ड्यू होगा तब अब ये जो ड्राफ्ट इशू का बात हुआ था हम लोग का इंपोर्टर का वो आया और बोला कि अरे यार ये ड्राफ्ट है ना कैंसल हो गया है तो हुआ ड्राफ्ट इशू कैंसल तो जब ये ड्राफ्ट इशू कैंसिल होगा तो कैन आई से सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा तो दिस विल बिकम परचेज ऑफ एसे समझी एवरीबॉडी सो so, पहले ड्राफ्ट इशू हुआ होगा तब सेल में गया रहेगा आज ड्राफ्ट इशू कैंसल हुआ है फॉरवर्ड परचेज परचेज में आया फॉरवर्ड परचेज कैंसल सेल में गया उल्टा ड्राफ्ट इशू पहले सेल में इशू किया अपन ने पैसा जो भी करेंसी है आज वो कैंसल हो गया। तो, कैश में तो नहीं आएगा इंपैक्ट आएगा आई विल राइटर ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक ना ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल परचेज में आ जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक इशू किया था तब सेल में था

फॉरवर्ड परचेज कैंसल उल्टा है कि नहीं? तो वो वैसे करते करते यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज इट आइए नेक्स्ट अब 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 आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के ऊपर बड़ा वट स्टेप वुड यू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक्स

ये बैलेंस को तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा फाइव थाउजेंड एस एफ के साथ इफ यू आर रिक्वायर टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक्स थर्टी थाउजेंड इन द नोस्ट्रो अकाउंट रहे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सो so, मैं यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं करंट Closing, ये खाली आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ करंट क्लोजिंग अब मेरे को इसमें थर्टी थाउजेंड रखना है मतलब थाउजेंड और एड करना पड़ेगा मतलब कहना इससे मेरे को परचेस करना पड़ेगा स्विस फ्रैंक कितना परचेस करना पड़ेगा फाइव थाउजेंड फ्रैंक मेरे को परचेस करना पड़ेगा बोलो बोलो चल चल सो दिस इज द एंट्री दैट आई विल डू सो मैं क्या जाऊंगा मैं बोलूंगा ये बैंक ऑफ जिसके साथ भी मैंने बैंक ऑफ साथ मैंने अकाउंट खोला है उसको मैं फोन करके बोलूंगा सुनो ना मेरे को पांच हजार स्विस फ्रैंक और चाहिए तो प्लीज मेरे को ट्रांसफर कर दो बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूं परचेज कर रहा हूं फाइव थाउजेंड फ्रैंक तो मेरी एक एंट्री आ जाएगी परचेस स्विस फ्रैंक

क्लोजिंग कैश पोजिशन क्रेडिट थर्टी थाउजेंड हो गया भाई पहला काम हमारा हो गया है पहला काम हमारा हो गया है क्लोजिंग कैश बैलेंस थर्टी थाउजेंड बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है हिडन एंट्री काइंड ऑफ परचेज जैसे आपने स्विस फ्रैंक किया कैश में तो आएगा ही बट यहां पे भी तो आएगा ना बेटा वो एंट्री पास करना मत भूलना सो योर दिस एंट्री विल हैव अ इंपैक्ट योर दिस एंट्री विल हैव अ इंपैक्ट योर दिस एंट्री विल हैव अ इंपैक्ट क्या इंपैक्ट आएगा दैट वी आर परचेजिंग परचेजिंग स्विस फ्रैंक कितना फाइव थाउजेंड परचेज कर रहे हो तो परचेज में जाएगा कितना फाइव थाउजेंड कितना फाइव थाउजेंड अब आगे देखो एंड कीप एज ओवर बॉट पोजिशन स्विस फ्रैंक टेन तो ठीक है भाई देखते हैं ओवर बॉट है क्या तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको ये देखो क्या करना पड़ेगा एक सेकेंड ना थोड़ा इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं हाँ. अब यहां पे आ जाओ यहां पे आ जाओ So, मेरा सेल पोजीशन क्या है? कैलकुलेटर जस्ट मोमेंट। अगर आप अब नोट करते हो तो मेरा परचेज मेरा परचेज है 165, मेरा सेल्स है 165। है ला, ये तो जीरो हो गया 165 और 165 जीरो जीरो है बट मुझे वो लोग ने बोला है बॉस ऐसा नहीं आपको ओवरबॉर्ड पोजीशन रखना पड़ेगा स्विस फ्रैंक के ऊपर तो मेरे को एक फॉरवर्ड परचेज पोजीशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं मेरा टेन थाउजेंड फ्रैंक का जो ओवरबॉर्ड पोजीशन है वो मेंटेन कर पाऊंगा सो नाउ लास्ट थिंग दैट आई हैव टू अ फॉरवर्ड एंटर इंटू अ फॉरवर्ड परचेज एस एफ टेन थाउजेंड जैसे ही वो मैं करता हूं इधर एंट्री आ जाएगा कैश पोजीशन में तो फॉरवर्ड का एंट्री नहीं आता है। इधर ये थाउजेंड का एंट्री आ गया इधर ये ये का एंट्री uh, से आ गया, तो ओपनिंग में यही बोला है keep account, keep position, franc, 10 मैंने ये फॉरवर्ड परचेज करके टेन थाउजेंड ओवरबॉट कर लिया है अब मेरा क्लोजिंग टेन थाउजेंड ओवर पे दिखेगा राइट right? और वही ओपनिंग फिर वहां से कंटिन्यू होगा एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आर नोस्त्रो वोस्ो अकाउंट अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड और आई होप ये पूरा लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा अब फटाफट नोट्स अगर अपन लोग देख लेंगे देन इन दैट दैट केस वी विल फाइंड नोट्स में भी ये सारी की सारी चीजें देखो मैंने इंक्लूड कर ली है गॉट इट आई होप आप लोगों को ये सब चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी ये देखो ये, ये देखो ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश पोजीशन का था पॉजिटिव फिर ओवर बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ओवर बॉट ये खाली एक्सचेंज पोजीशन में आएगा ओवर शोल्ड हुआ तो खाली एक्सचेंज में आएगा बिल परचेज या स्पॉट परचेज है तो इधर ये इनफ्लो के जैसा हो गया स्पॉट सेल है रेमिटेंस बाय टीटी है फॉरवर्ड परचेज जो मेरा इधर बिल परचेज जिसको मैंने बोला था सॉरी हाँ तो ये रहा इनफ्लो फॉरवर्ड परचेज कैंसिल हुआ मेरा आउटफ्लो हो गया दिस इज हाउ द होल एक्सचेंज एंड कैश पोजीशन